नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर है और मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन हूँ बालको मेडिकल सेंटर में। बोन ट्यूमर्स का कारण क्या होता है? अभी तक के बोन ट्यूमर्स का कोई निश्चित कारण नहीं पाया गया है। ये कुछ खाने नहीं खाने या कुछ करने से ऐसे नहीं होता है। अभी इसका कारण क्या है, ये अभी भी रिसर्च स्टेज में है, अभी भी इसका हमें पता लगाना है। बहुत ही रेयर कंडीशंस में बोन ट्यूमर जेनेटिक होते हैं, यानी कि अनुवांशिक होते हैं। कुछ जीन में डिफेक्ट होने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से बच्चों में होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में इसका अभी तक कोई कारण नहीं पाया गया है। उम्र जो होती है, यूजली यंग एज होता है, बच्चे जो रहते हैं वो 10 से 20 साल के बीच में रहते हैं जिनको ये देखा जाता है। और ये उम्र के साथ साथ आखिरी के स्टेजेस में, जैसे कि 60-70 ईयर्स में भी ज़्यादातर में देखा जा सकता है। बोन ट्यूमर्स में सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स यानी कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला लक्षण जो बोन ट्यूमर का होता है वो होता है पेन। ऐसा पेन जो दवाई लेने से भी दर्द नहीं कम हो रहा हो और लगातार बना हुआ हो, उस टाइप का जो पेन होता है वो बोन ट्यूमर्स में देखा जाता है। दूसरा इसका लक्षण होता है एक सूजन, एक गठान जो हड्डी से चालू हुई हो, हड्डी की तरह महसूस हो रही हो, सख्त हो, हिल नहीं रही हो और लगातार बढ़ती जा रही हो, ये उसका दूसरा लक्षण होता है। कुछ पेशेंट्स में तो पेशेंट सीधा फ्रैक्चर के साथ आते हैं, यानी कि हड्डी कमजोर हो जाती है और चलते चलते या फिर बहुत ही छोटी सी मामूली सी चोट से भी हड्डी टूट जाती है। तो मामूली सी चोट से हड्डी टूटने के कारण बोन कैंसर हो सकता है।